वेलकम टू लेट्स लर्न फ्रॉम होम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में जानेंगे। तो ई रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। तो ई रेशनल नंबर क्या होता है कि एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। और पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक, किसका ऑपोजिट? रेशनल नंबर का ऑपोजिट। तो रेशनल नंबर में क्या होता था कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, लाइक 1/2, 2/3, 4/5, इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? वो इस रूप में नहीं होना चाहिए, 1/2, 2/3, 4/5 के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन सा नंबर आता है? तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3, 5, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए, 4 है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा क्या? तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है। ये ई रेशनल, 2 मतलब 2/1, तो रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये इसका नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, लाइक 7, प्राइम नंबर्स जितना भी आ जाता है वो सब इसी में आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो। तो जैसे 1.23571533 तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो रहा है क्या? टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर ई रेशनल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद और एक होता है पाई। ठीक है, पाई ई रेशनल नंबर होता है। अब सेकेंड टॉपिक है इसमें, लोकेट ई रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे क्या है, जैसे 2, √2, √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो √5 को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले नंबर लाइन को कंसीडर कर लेते हैं। तो 0, 1, 2, 3, −1, −2, −3, इधर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर नेगेटिव इंटीजर्स, और ये क्या होता है? 0 इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, √2, तो इसको मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, हमें एक इस टाइप का नंबर 2 लेना है कि यहाँ पे जिसका सम कितना हो जाए, 2 आ जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर होगा n-1 और दूसरा क्या होगा? 1। ठीक है, तो 2 का 2-1 कितना होता है? 1, और सेकेंड वाला भी कितना होगा? 1। ठीक, और इसका स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों नंबर्स का। तो 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा? 1, और इधर क्या आएगा स्क्वायर रूट? 1 का अगेन 1। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, 0 से एक घर आप ग्राफ में करेंगे तो ये एक्यूरेट आ जाएगा। फिर 0 से क्या करेंगे, एक घर ले लेंगे कंसिडर। ठीक है, ये इस एक्सिस में एक घर, और यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री सीधा। वहाँ पे भी कितना यूनिट लेंगे? 1 यूनिट। एक 1 यूनिट तो इधर ले लिए, और दूसरा 1 यूनिट किधर लेंगे? इधर लेंगे सीधा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं ए, और इसको दे देते हैं बी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होते तो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सा है? ओबी। ओबी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर क्या है? ओए। और परपेंडिकुलर क्या है? एबी का स्क्वायर। अब देखिए ओए कितना हो जाएगा आपका? ओए हम लोग कंसिडर करें 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? 1 यूनिट, यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और ये भी 1, ये हो जाएगा इधर ओ बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 ओ बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ओ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इधर ए पे स्क्वायर रूट आने से क्या आना चाहिए था? प्लस माइनस। लेकिन लेंथ क्या होता है? कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव को हटा दिया। तो पॉजिटिव तो यहाँ पे नहीं रहने से भी वो रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। अब ये क्या, ओ बी कितना है? √2। ठीक है, तो ओ से ले के बी तक ये क्या हो जाएगा? √2 हो गया। अब क्या करना है, एक ओ बी को रेडियस पकड़ के एक आर्क ड्रॉ करना है। तो ओ बी को रेडियस पकड़ आर्क ड्रॉ कर, और नंबर लाइन पे वो आर्क जहाँ पे कट करेगा, मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा ओ से लेके मान लीजिए ये सी, तो ओ सी हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए पूछेगा आपको √3। ठीक है, अब √3 के लिए क्या करना है? n-1, तो n क्या है यहाँ पे? 3,
तो n माइनस वन कितना होगा, 3 माइनस वन, एक 2 और एक कितना होगा 1। अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो एक कितना चाहिए हमको 1 यूनिट और एक कितना चाहिए स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए रूट 3 निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमको पहले निकालना पड़ेगा, तो इस केस में हम लोग निकाल के रखे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने निकाला था और ये नंबर लाइन पे यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका दो तरीका से कर सकते हैं। सबसे पहले कंसिडर करते हैं यहाँ पे ये O से लेके C तक कितना है आपका रूट 2, यहाँ पे कितना और सेकेंड कितना लेना है 1, तो यहाँ पे एक 1 यूनिट वापस लेंगे और यहाँ से यहाँ को मिला देंगे, तो इसको नाम दे दीजिए D, तो OD। और फिर पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे ये तो राइट एंगल होगा, यहाँ पे पाइथागोरस, तो OD का स्क्वायर इक्वल टू किसका होगा, OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, तो OC कितना है अपना, OC रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, और CD कितना है, CD स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और ये हो गया OD का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, और इधर OD, तो ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा OD, तो OD स्क्वायर, OD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, मिल गया OD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे अगेन इसको OD को रेडियस कंसिडर करके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और ये जहाँ पे भी कट करेगा, ठीक है, ये जहाँ पे भी कट करेगा ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अगर यहाँ पे ना लेके हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर भी कंसिडर करते, यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ करके 1 यूनिट लेके और इसको मिला देते, तो यहाँ पे वही पाइथागोरस थ्योरम यही आता, तो यहाँ पे जो ये आता है रूट 3, और इसको आर्क समझ के पकड़ के यहाँ पे काटते तो ये हमें मिल जाता। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, रूट 5 है, रूट 7 है, तो आराम से हम लोग ड्रॉ कर सकते। तो रूट 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n माइनस 1 दैट इज 4 और एक 1, और दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए, 4 का कितना 2 और इधर 1, एक को कितना करना कंसिडर करना पड़ेगा 2 और एक को 1, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स लर्न फ्रॉम होम।